बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एप्पल रोज़ बेरी क्रम्प की रेसिपी। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही पसंद किया जाता है, तो बनाना शुरू करते हैं। हमने कुछ सब्ज कलर के सेब ले लिए, ऑर्गेनिक सेब है, हम अपने गार्डन से हमने लिए। इनको काट लेते हैं और मिडल से जो है इनकी बीज है वो हम निकाल लेंगे। दो एप्पल हमने ले लिए, इनको हम ग्रेट कर लेंगे। दो जो हमने सेब इस तरह ग्रेट कर लिए। पैन में हम एक टेबलस्पून मक्खन वो डाल देंगे, अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। दो टेबलस्पून हम इसमें कास्टर शुगर वो शामिल करेंगे। शुगर को हम बटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो टेबलस्पून हम इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं, अच्छी तरह से शुगर को हमने मेल्ट कर लेना। दो एप्पल ग्रेट किए वो इसमें शामिल कर देंगे। इनको अच्छी तरह से हम चीनी में पकाएंगे। इस सेब का हमने अंदर से बीज निकाल लिए सबके। अब हम इनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरह। हाफ टेबल स्पून हमने जायफल ले लिए और दालचीनी पाउडर हमने 1 टीस्पून ले लिए, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। हम एक लेमन थोड़ा सा हम ग्रेट कर लेंगे। ये पानी बिल्कुल हमारा ड्राई हो चुका है। बाकी एप्पल जो हमने सेब काटे छोटे छोटे पीसेस उनको भी इसमें हम अच्छी तरह से भून लेंगे। एक टेबल स्पून हम इसमें और मक्खन शामिल करें। हाफ हमने लेमन जूस वो ले लिए। दो टेबलस्पून हम इसमें ब्राउन शुगर शामिल करें। फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे और अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि जो लेमन का जूस है वो इसमें कुक हो जाए। एक बाउल हमने रोज़मेरी लिए वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे। 125 ग्राम हमने प्लेन फ्लावर ले लिए, ब्राउन शुगर ले लिए 2 टेबलस्पून, थाइम हमने ले लिए 1 टीस्पून और लेमन जेस्ट हमने ले लिए 1 टीस्पून। ये सारे इसमें मिक्स कर देंगे। बटर लिए हमने 75 ग्राम वो भी इसमें डाल के अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। फोर्टी ग्राम हमने ग्रैनोला ले लिया वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये टॉपिंग हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होगा, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। कांच की ट्रे हमने ले लिए, बटर हमने ले लिया, इस तरह हम ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ। ट्रे को हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिए। अभी हम जो एप्पल हमने बनाए वो इसमें शामिल कर देंगे, इस तरह ट्रे में फैला लेंगे। अभी हम टॉपिंग जो है वो इस तरह ऊपर डाल देंगे। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए और हमने ओवन पहले इसे गर्म कर रखा है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा ओवन है। हाफ एन आवर के लिए हम इसे ओवन में रखेंगे। आधा घंटा ओवन में रखने के बाद हमें इसे निकाल लिया। इस तरह गोल्डन ब्राउन ऊपर से इसका होना चाहिए, लेयर जो हमें बनाई है ऊपर। और माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है बटर की जो हमने इसमें डाला है। और 15 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद फिर निकालेंगे प्लेट में। एप्पल रोज़ बेरी क्रम्प हमारा बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। और आप इसको क्रीम के साथ भी खा सकते हैं, कस्टर्ड भी बना के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आइसक्रीम ऊपर डाली है। और आपको अंदर से हम दिखाएंगे।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।